हाँ जी, सत श्री अकाल जी। गुड मॉर्निंग सारयां नूं। गुड ते मॉर्निंग। हाँ, आज दे सवेर दे 6 बज चुकी आ। ते मतलब एक पत्ता भी नहीं हिली, इन्नी ज़्यादा उमस होई पई है ना। गर्मी बहुत है, गर्मी होई पई है, कोई सवेर अज वधिया नहीं गी। गर्मी वाली सवेर आ, मीह मूह नहीं आया, बस दो तीन दिन नूर सारी रात सौन नहीं दिता। ठी 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 करीगा कर रात, मतलब गर्मी इन्नी ज़्यादा सी, मैनू भी नींद नहीं आई। तो नूर नू तो आनी की सी ना, कूलर कलर फेल हो गए, काम नहीं करते सी। ते आज दे एक नवे ब्लॉग में तो स्टार्ट कर दे। नूर दी मम्मी तड़के तड़के लकड़ा ले जांदी है। नूर आ बैठा मंजे ते, की खाई जाना नूर? आंदा नहीं यार, है जे जमासे च यार, बड़े दुखी हो। रब ने जमा पत्ता पत्ता, एक पत्ता भी नहीं, मतलब नहीं हिलता एक पत्ता हिल जाए ना तो असं ए कह दिए भी एक पत्ता हिल गया। भी इन्नी ज़्यादा गर्मी ते उमस, कोई नहर तपदी हो कोठियां दे पिछों दी ते बंदा छाला ही मारता रहे कि नहीं। दे सैंडल पाते त्या, नूर कहना हुणे ला दे, मेरे तो चलिया नहीं जाता। ला देंगे, वो देख खिंची जाता, ला दा, स्कूटरी भी नहीं चला। करे जाके लाव, करे जाके कहना हुणे ला, माता हो जाती। चल चलिए, वो गई बीबी गई, चल आया। ए उत्ते बिठा के मैं झूटे दिन दिन हो गए घट्टो घट अद्धा पौना घंटा, तो मैं पसीना ही पसीना आ चुकया। आता उत्ते बैठा आराम नाल, सैंडल पा के इन्हें सोचा तुरै तो जाता नहीं, एवं सही है, झूटे दे ही आ रहे इन्हें 2 मिनट। ए लै जा, मैं गली च पैड़ा देख कि तेन पता लग किन्ने गेड़े कटाए। तो नूर की मम्मी क्ढी जाती है मक्खन, होया मक्खन मला, मक्खन मलाइया खा के बड़ा बलिए करी नूर। करदा ना ब्रर, इन्ना झटका ना मार डिग जूगा। सैंडल पाए आ, ते सैंडल गुलर जे पैर हो गए वड्डे, ते सैंडल हो गए छोटे, पर पा दे असी अड़ी फसी नाल, क्योंकि सैंडल पाए पे छोटे हो गए, कदे पाए ही नहीं। ए बाहर लै जा भी, बाहर उधर। नूर दी माता ने कड लिया घ्यो, कड़े नहीं भाई, वाओ। ते मुड़का देख लो फिर, वाओ मुड़का खा के मक्खन मलाइया, होया बड़ा बलिए ताइयो रोब रखे। कादे वर्गा फिल्म स्टार वर्गा लो भी एक पेड़ा मी आ गया, मी नहीं सॉरी, एक पेड़ा मक्खन आ गया। कदे पेड़ा छोटा हो जाता, कदे बड़ा हो जाता, ये साड़ी गां ते डिपेंड करता, जिदे असी पट्ठे वध पा दिए उदे वध, गां ते डिपेंड करता, ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਕੱਚਾ ਜਾਦੇ ਪਾਰੇ ਕਰੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਿਓ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੱਖੀ ਲਾ ਲਈ, ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਖੜਾ ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਾਥੀਆਂ ਲਈ ਝੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਸੱਤੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨੂਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਪਾਥੀਆਂ, ਉਹ ਫੜਾਤੀ पाथियां चढ़ते गीरा लाते हैं। इतने बैठा रह नूरी, इतने बैठा रह। नूर कहना बाहर लेके जानी है मैं। की कहती सी नूर की मम्मी? 11 बजे तक नूर की मम्मी ले तौलिया, तो आप हम नहाने। हाँ जी, आप नहा ले, तो टाइम हो गया 7:30 होने वाले हैं। नूर की मम्मी तो नूर की मम्मी मिनट बाकी देखो बेचारी रोटियां लाई जी गर्मी बखी चली जी डेली का बेचारी, क्योंकि इस टाइम सुबह ही ला नहीं मैं रोटी, एक दिन आप ही खा लिया करांगे। कल एक बाई ने कमेंट करा, कहना चप्पल पा के रोटियां लाइन, अज नूर की मम्मी ने गट्टा भी रखा, चप्पल भी लाइया, मतलब अमल कर दी है। कई बार भूल जाती है। हाँ, इंसान सीखता रहता सारी उम्र, है ना, क्योंकि दुनिया च बथेरे समझदारी वाले बंदे पे है,
इंसान नू हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो दो क्वेश्चन कमेंट करे थे, आ देखो मोटो ने फॉलो कर ले, है ना। बिल्कुल हाँ, आप चीज़ जी वधिया फॉलो जरूर करते हैं जी, गल नहीं सानू साड़िया कमियां दस्या करो, वधिया वजे चीज़ा सिखाया करो। एक बई कमेंट करता कहना तुसी ईटिंग का चैलेंज करो, भी खाण पीण का चैलेंज करो, किहड़ा ज़्यादा खाँदा दोनों चो। मोटो मोटी देख के सोचते मोटो बहुत खाँदी है ना, कदे ना कदे चैलेंज जरूर करांगे जिद्दे टाइम होया उद्दे, है ना। चैलेंज करे सी ठंडे पीण दा, मेरे तो वास हो गई थी। परौंठा परौंठे दे विच मखणी ते मिर्च ते आपां हुण करदे आं नाश्ता। नूर दी मम्मी खुशियां मनाई जांदे, की गल, मौसम बहुत आई आउण वाला हैगा, मौसम केजा हो रिया, नहीं आ गया मतलब बद्दल इन्ने क ज्यादा होए पए ना, भी पूरे काले काले फुल काले बदल बदल तो मैं रोज़ ही करदा, पर अज जे बदल आ ना वो कदे नहीं होए जिमें अज फुल नेरा हो रहा। टाइम होया है तीन चार ही बजे है, तो चार बजे फुल तकड़ी धुप होंदी है, तो अज चार बजे एवें दा सीन होया पिया। तो वो नूर आ गया सबू तोती उन्हें जा मोर बाबू मोर खंडी कितों कदा गया छोटे बहुत वे लो भी नेरी आ गई फुल तकड़ी, पानी फुल तकड़ी नेरी आ गई फुल, तूड़ो तूड़ हो रहा कम, मतलब मीह तो पहला नेरी आई है ना जड़ी, मतलब ये खतरनाक ही है क्योंकि पिंडा च रेता बहुत उड़दा। इधर का सारा व्यू दिखा देना, तो जे थोड़ा थोड़ा कणिया आ जाए फिर तो मतलब मिट्टी नहीं उड़ती, ये कणिया आने तो पहला नेरी चली जाती है, ये बस अखा च पैन वाली मिट्टी है बस। सैबू ना ला फुल, फुल नेरी आ गई, मीह मूह तो आया नहीं गा, तो निम टुटू टुटू करी जी, रेता अखा भरी जाता, तो मीह आऊगा उदो जो फुल अखा रेते भर जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं। मीह का तो फायदा जी नेरी तो पहला अजे त बदल तो पूरे होए पे है, जे अजे तो वधिया गल आ गई थोड़िया थोड़िया, तो मैं लगता हूँ पऊगा मीह, है ना। नहीं पता, उम्मीद खत्म हो गई उम्मीद साड़ी खत्म हो जाती जिस हिसाब न बदल बने से ना, उस हिसाब न लगता सी भी मीह आऊगा, पर मीह आया नहीं गा, थोड़ा थोड़ा आई जाता आज तो अल वी गल आप दिखा। मैं आ देखो इधर निके निके कणिया आ रही है ना, निके निके आ कणिया इन्ना गई जाता आज, फिर तो नज़ारा आज गढ़ी जो मौसम ठंडा हो जाता ना उदो इंसान का चिड़चिड़ापन गुस्सा पता नहीं किधर चलिया जाता है ना, ये चीज़ नोट करिए, क्योंकि जो गर्मी होवे बंदे नूं गुस्सा आता चिड़चिड़ापन, जो मैंने कुछ छोड़े ना बस दूर हो जाए, मैं हवा आवे ठंडी, है ना। तो जो मतलब अज मौसम वधिया ठंडा, ये गल मेरे दिमाग च आई है ना कि कारण की आखिर मतलब मौसम नाल बंदे दे माइंड का की संबंध आ, माइंड ठंडा हो जाता तो मुड़का हट जाता, गर्मी घट लगती है इस करके बंदा ठंडा हो जाता। मुड़का आता, मुड़के की गल कर दी, मैं तो बहुत मुड़का आता। बाकी कमेंट करके जरूर दस्यो भी दिमाग नाल ठंडे मौसम का मतलब, जिमें मौसम अज रोमांटिक होया पिया गा वधिया ठंडा होया पिया, तो ये दिमाग नाल की यदा संबंध आ ना, भी बंदा अज सारा कुछ है मतलब ठंडे मौसम च वधिया वधिया लगता, गुस्से वाला बंदा भी अज वधिया बैटर फील करता होना, है ना। मौसम कड़ा मीह वाला हाँ रोमांटिक कह लिए जिमें मर्जी कह लिए, तो बाकी ये कमेंट करके दस्यो भी की चक्कर बनता ठंड का, ताई जिहड़े गोरे आ फॉरन कंट्री वाले इन्ने शांत होंदे आ, ते अपने इंडियंस दे गुस्सा जिहड़ा वो नकते रहिंदा, है ना। यही कारण लग्या फिर मैनू, है ना, उधर मौसम का जिहड़ा वैदर आ उधर का ठंडा रहिंदा, जिहड़ा अपना वैदर आ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੈਦਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬਾਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਈਟਿੰਗ ਚੈਲੰਜ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੋਟੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਮੋਟੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਰਮਨ ਛਾਬੜਾ, ਰਮਨ ਛਾਬੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਟਿੰਗ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਖਾਈਏ, ਮੂੰਗੀ ਖਾਈਏ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਈਏ, ਕਾਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੱਕੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਖੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਟਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਖੱਕੜੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ। ਖੱਕੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚਟਨੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ, ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਕੜੀ, ਨਾ 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 ਕੋਮਬੀਨੇਸ਼ਨ ਗੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਮਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਪਰਚਾਲ ਦੱਸੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੇਠੇ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪੇਟਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਰਸੋਈ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਗੋਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤਾ ਅਸੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 6-7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੁੱਕੀ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਬਰਗਰ, ਚਾਊਮੀਨ। ਚਾਊਮੀਨ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਡੁੱਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਖਾਏ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦਹੀਂ ਪੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਖਾਂ ਖਾਓ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾਓ, ਡੇਲੀ ਵੇਸਟ ਨਾ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵੇਸਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਰਗਰ, ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਖਾਧਾ, ਦੂਜੇ ਔਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਮੀਂਹ ਆਊਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੌਗਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਲੌਗ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਲੌਗਰ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲੌਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਦੇ, ਪੱਖੀ ਲਾ ਦੋ, ਬਲੌਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਮਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 'ਚ ਕੁਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਨਾ। ਨੂਰ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਟ ਜਾਵੜੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੱਖੀ ਲਾਊਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ। ਮੈਂ ਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਖੱਕੜੀ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊ। ਜੇ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਉ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਏ ਐਂਡ ਰੱਬ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।